हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरदोस स्पीकिंग आपका स्वागत करता हूं बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। फ्रेंड्स, आज हम 9th और 10th के जो सिलेबस है उसमें आपके बेलन शंकु गोला घन घनाभ के जो प्रश्न दिए गए हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम सबसे पहले उनके सूत्र जो है उनको सीख लेते हैं। शुरू करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले नंबर पर आता है घनाभ। देखिए फ्रेंड्स, घनाभ के कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं, ठीक है। और सभी के सभी इक्वल नहीं होते, अलग अलग होते हैं। जैसे कि ये एक घनाभ है, इसमें एक ये फलक है इसके जस्ट पीछे वाला, तो ये हो गए 2। ऊपर वाला है इसके जस्ट नीचे वाला, हो गए 4। एक ये 5 और एक ये 6। और सभी जो है वो अलग अलग नाप के हो सकते हैं। और उसके अलावा जो घन होता है उसके सभी फलक इक्वल होते हैं, उसमें भी 6 फलक होते हैं। जैसे कि आपके लूडो में जो पासा होता है या सांप सीढ़ी में जो पासा होता है उसके जो फलक होते हैं वो सभी के सभी इक्वल होते हैं। तो घनाभ, घनाभ के बारे में हम अगर डिस्कस करें तो घनाभ में क्या आएगा? नंबर 1, घनाभ का संपूर्ण संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है फ्रेंड्स 2 गुना लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। इसको याद करना बहुत ही आसान है फ्रेंड्स। देखिए, चौड़ाई प्लस चौड़ाई और ऊंचाई प्लस ऊंचाई के लेफ्ट एंड राइट में आपको गुणा में लंबाई लगा देनी है। तो ये क्या हो गया? चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई, तो लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, ये हो गया घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। दूसरे नंबर पर आता है घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है फ्रेंड्स? वक्र पृष्ठीय इस घनाभ के लिए आएगा 4 पृष्ठों का, लंबाई और चौड़ाई से संबंधित आएगा, ऊंचाई वाला आपने इसमें ऐड, इसके 4 पृष्ठों का आएगा। या यूं बोल सकते हो कि जो घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी 4 दीवारों का, 4 हिस्सों का, तो यहां पर घनाभ के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को और क्या कह सकते हैं? कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, या क्या कह सकते हैं, घनाभ के 4 पृष्ठों का क्षेत्रफल क्या आएगा? तीनों एक ही है, तीनों में से कुछ भी पूछे तो आपका सॉल्यूशन जो आएगा वो आएगा ऊंचाई गुणा 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ये जो होता है वो आयत के परिमाप का सूत्र होता है, ये हम पहले कर चुके हैं। इसको एक और पैटर्न से क्या लिखा जा सकता है, या ऊंचाई गुणा परिमाप, या लिख सकते हो परिमाप गुणा ऊंचाई, ठीक है। ये आयत के परिमाप का सूत्र है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, और ये ऊंचाई उससे गुणा हो जाती है। तो घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ ले, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल पूछ ले, या घनाभ के 4 पृष्ठों का क्षेत्रफल पूछ ले, तीनों एक ही क्वेश्चन है और तीनों के लिए एक ही सूत्र काम में आएगा, ये वाला। अब इसके अपोजिट में आपको अगर परिमाप दे दिया है तो आपको ये परिमाप वाला लगाना है, ऊंचाई गुणा परिमाप। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अब कई बार हमसे क्या पूछता है, ढक्कनदार संदूक और बिना ढक्कनदार। अगर ढक्कनदार संदूक है इट मीन्स उसके 6 फलक पूरे हैं। अब वो कहते हैं वो बिना ढक्कनदार संदूक है यानी उसका ढक्कन हटा दो तो चारों उसकी वो दीवारें प्लस भी नीचे जो है वो पैंदा, तो इतने लगेंगे, कितने पृष्ठ हो गए? 4 प्लस 1 5 पृष्ठों का। इसी प्रकार से कई बार वो क्या पूछता है
कि एक चबूतरा बना हुआ है, पेडस्टल है, चबूतरा है, उस पर अपने को प्लास्टर करना है। तो प्लास्टर कहाँ कहाँ होगा फ्रेंड्स? चबूतरे की चारों दीवारों पर होगा और ऊपर वाली जो सरफेस है वहाँ होगा। क्या उस चबूतरे के नीचे कोई प्लास्टर करेगा क्या? पहले उस चबूतरे को तोड़ेगा, लुढ़काएगा और उसके बाद प्लास्टर करेगा? ऐसा संभव नहीं है। तो उसमें भी पांच ही पृष्ठ काम में आएंगे। इसी प्रकार से वो कमरे पर, कमरे में कलर का बोल देता है, कलर करना है कमरे में। तो कलर कहाँ कहाँ किया जा सकता है फ्रेंड्स? कलर जो है वो चारों दीवारों पर किया जा सकता है और छत पर किया जा सकता है। तो वहाँ भी हमारे पांच ही पृष्ठ काम में आएंगे जब तक कि वो क्लियरली ना बोले। नीचे फर्श पर कोई भी कलर नहीं करता, फर्श को तो वापस साफ करना पड़ता है हमें। तो ये ध्यान रखना है छोटी छोटी बारीकियों को कि भाई जब कमरे पर, कमरे में कलर करने का बोल रहा है और उसने ये नहीं बोला कि चारों दीवारों पर कलर करना है, उसने बोला कमरे में कलर करना है, इट मीन्स आपको छत पर भी कलर करना है और चारों दीवारों पर करना है, फर्श पर कलर नहीं होगा। इसी प्रकार से कोई चबूतरा है और उस पर अपने को प्लास्टर करना है, तो प्लास्टर कहाँ होगा? चारों दीवारों पर होगा और उसके ऊपर वाले सरफेस पर होगा, ऊपर वाले हिस्से पर होगा। नीचे कोई भी जमीन तोड़ करके उसमें प्लास्टर करने की कोशिश नहीं करेगा। इसके अलावा एक और होता है, वो है अपने बक्सा जो है या संदूक है या कोई भी आकृति है, गनाबाकार है, लेकिन उसमें अपने को एक सतह नहीं दी, यानी कि ढक्कन नहीं दिया, तो उसमें कितने पृष्ठ बच गए फ्रेंड्स हमारे? पाँच पृष्ठ, और वो गनाबाकार है। तो ये आ जाएगा गनाब के पांच पृष्ठों का क्षेत्रफल। इसके बहुत सारे फॉर्मूले आप बना सकते हो। बेस्ट ये रहता है अपना कि ये जो छह पृष्ठों का है ना, इसमें से एक पृष्ठ का अपने घटा देंगे तो पांच पृष्ठ आ जाएंगे। कैसे? दो गुणा लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। ये आ गए हमारे छह पृष्ठों का। ये जो संपूर्ण पृष्ठ होता है वो छह के छह पृष्ठों का होता है। अब इसमें से एक पृष्ठ घटा दीजिए लंबाई इंटू चौड़ाई वाला, ये हो गया हमारा पांच पृष्ठों का क्षेत्रफल या बगैर ढक्कनदार, बिना ढक्कन के संदूक या बक्सा क्षेत्रफल। इस प्रकार से ना, और क्या लिख सकते हैं इसके? एक और सूत्र बनाया जा सकता है इसका। कैसे बनेगा वो ये रहेगा अपना, जैसे चार पृष्ठ हैं ये अपने, चार में एक और पृष्ठ जोड़ देंगे तो हो जाएगा पांच। या क्या लिख सकते हैं? दो ऊंचाई इंटू दो गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है, प्लस लंबाई इंटू चौड़ाई। अब जो आपको बेस्ट लगे उसको आप फॉलो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। आप किसी से भी इसको हल किया जा सकता है इन प्रश्नों को। फ्रेंड्स ये था हमारा घनाभ के पांच प्रश्नों का क्षेत्रफल। इसके बाद आता है चौथा, घनाभ का परिमाप। परिमाप जो होता है फ्रेंड्स, किनारों का जो ये माप होता है, जैसे मेरे को मान लो ये घनाभाकार बॉक्स है, इस पर क्या करनी है? टेप लगानी है इस पे बॉर्डर पर। तो बॉर्डर कहाँ है? ये वाली। तो बॉर्डर कितनी है? एक, ये दो, ये देखिए एक ही शेप की है, तीन और चार। तो ये वाली नाप कितनी आ गई? चार बार। यानी ये लंबाई है तो ये चार बार, ये अपनी चौड़ाई मान लो इसको, ये चौड़ाई है तो ये भी चार आएगी, एक ये दो, एक ये तीन और एक ये चार। अब ऊंचाई ये वाली है, एक दो तीन और चार, यानी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, ये तीनों जो हैं वो चार चार बार आ रहे हैं। तो मैं लिखूंगा चार गुणा, लंबाई भी चार बार आ रहा है तो मैंने चार ले लिया, तो लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई, ये जो है चार बार आ रहे हैं तो मैंने चार से गुणा कर दिया इन तीनों को जोड़ करके, तो हम इसका परिमाप निकाल सकते हैं। पांचवा सूत्र है घनाभ के विकर्ण की लंबाई। घनाभ के विकर्ण की लंबाई क्या आएगी फ्रेंड्स? रूट
लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। ये हो जाएगा फ्रेंड्स हमारे घनाभ के विकर्ण की लंबाई, घनाभ का परिमाप, घनाभ के पांचों पृष्ठ का, चार पृष्ठ का और घनाभ के छह पृष्ठ। ये संपूर्ण पृष्ठ के कितने पृष्ठ होते हैं? छह पृष्ठों का क्षेत्रफल होता है, ये ध्यान रखना आपने। ठीक है, अब लेते हैं अपने घन का अब घन वाले ले लेते हैं। हमने घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? छह गुणा भुजा स्क्वायर, क्योंकि घन में जो होती है वो सभी फलक समान होते हैं और जब सभी फलक समान होंगे यानी वो जो फलक होंगे वो वर्गाकार होंगे और वर्ग में जो है क्षेत्रफल का सूत्र लगता है भुजा स्क्वायर। तो छह पृष्ठ होते हैं टोटल, एक पृष्ठ का हो गया भुजा स्क्वायर, टोटल छह पृष्ठ, तो छह गुणा भुजा स्क्वायर हो जाएगा वहां पर। अब देखिए घन का संपूर्ण पृष्ठीय यानी छह पृष्ठों का, अब घन का वक्र पृष्ठीय बोल दे तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो ये क्या आएगा? चार गुणा भुजा स्क्वायर। अब घन भी जो है वो घनाकार जो बॉक्स है या टंकी है या बक्सा है उसमें भी क्या है? एक फलक नहीं है यानी बिना ढक्कन वाला है, या यूं बोल सकते हो चबूतरा है। तो कितने पृष्ठ बनेंगे? पांच। तो वक्र पृष्ठ में तो हो गए चार पृष्ठों का, ये देखिए छह पृष्ठ हैं ये, और इसमें वक्र पृष्ठ में आते हैं चार पृष्ठ, चार पृष्ठ होंगे और घन का, घन के पांच पृष्ठों का क्षेत्रफल क्या आएगा? पांच गुणा भुजा स्क्वायर, जितने पृष्ठ होंगे उतना ही उसका क्षेत्रफल हो जाएगा। ये हो गया। अब देखिए घन का परिमाप, घन का परिमाप आएगा भुजा, कितनी भुजाएं होंगी घन में? बारह भुजाएं होंगी, बारह गुणा भुजा। ठीक है, अब इसमें आगे करेंगे अपने घन का परिमाप हो गया, अब इसके बाद आएगा घन का आयतन, भुजा क्यूब। अब यहां घनाभ का आयतन भी लिख देते हैं अपने, घनाभ का आयतन लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ये हो गया फ्रेंड्स, ये घन और घनाभ वाले हो गए। अब अपने चलते हैं बेलन वाले क्वेश्चन में, बेलन का कैसे करेंगे? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये क्या होगा? 2 पाई आर एच। देखिए ये बेलनाकार आकृति है, अब इसका ये सूत्र क्यों बना 2 पाई आर एच? ये देखिए बेलनाकार आकृति है, ठीक है, गोल और लंबी होती है, तो ये होता है वृत्ताकार हिस्सा, तो ये वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर। तो वृत्त की परिधि को किससे गुणा कर देंगे? ऊंचाई से गुणा कर देंगे, तो कितना आ जाएगा? 2 पाई आर एच। खोखले बेलन के लिए काम में ली जाती है ये, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2 पाई आर एच। ये बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, उसके बाद आएगा बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये होगा 2 पाई आर वृत्त का क्षेत्रफल और गुणा आर प्लस एच। ठीक है, इसको अगर और खोल के लिखेंगे आप तो ये बनेगा
टू पाई आर स्क्वायर, इसको इससे गुणा कर देंगे और यहाँ आ जाएगा टू पाई आर एच। ऐसा क्यों बना? देखिए फ्रेंड्स, अब हम खोखले बेलन की जगह ठोस बेलन लेते हैं, यानी कि सरिया है या कोई छड़ है, ठीक है ना, या कोई डंडा है, उसके भी अगर अपने को निकालना है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो देखिए वृत्ताकार हिस्सा है, ये भी वृत्ताकार, तो वृत्त कितने हो गए? दो, ठीक है, तो दो तो वृत्तों का क्षेत्रफल, वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर कितनी बार आए? दो बार, और ये जो है बेलन है बाकी वाला हिस्सा, तो इसका भी क्या आ जाएगा? टू पाई आर एच हो जाएगा। इसके बाद अपने आगे बढ़ते हैं, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, बेलन के आयतन का सूत्र होगा पाई आर स्क्वायर एच। बेलन के आयतन का सूत्र क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच। ये हो गए फ्रेंड्स बेलन वाले कंप्लीट हमारे। इसके बाद आएगा शंकु, तो शंकु के लिए क्या आएगा? शंकु क्या होता है? शंकु, शंकु होता है कोण, जो आपने खाए होंगे आइसक्रीम वाले, ठीक है, इसी प्रकार से जो अपने जोकर की जो टोपी होती है, ठीक है, कीप होती है, तेल वगैरह डालने के लिए कीप बनी हुई होती है, तो शंकुआकार होती है। शंकु का आकार इस प्रकार से होता है, ठीक है। तो अब इसमें शंकु के लिए क्या आएगा? शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या आएगा? पाई आर एल, जहां एल यानी त्रियक ऊंचाई होती है ये, बराबर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल जो होती है वो त्रियक ऊंचाई कहलाती है, तिरछी ऊंचाई, ठीक है। एक तो ये सीधी ऊंचाई होती है और एक ये तिरछी ऊंचाई होती है, तो ये एल होगी अपने यहां पर। नंबर दो, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पाई आर कोष्टक आर प्लस एल। फिर आएगा तीसरे नंबर पर, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन होता है एक बट्टा तीन पाई आर स्क्वायर एच, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो पाई आर स्क्वायर एच बट्टा तीन। ये हो गए हमारे शंकु के आयतन तक। अब देखिए फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है, शंकु में अपने को एल दे देता है, आर निकालना होता है, ठीक है, या एच निकालना होता है, तो इसमें और आगे बता देता हूँ मैं। आर अगर निकालना हो तो आर बराबर क्या होगा? ये सबसे बड़ी भुजा होती है एल, देखिए दोनों जोड़ने पर ये आ रही है ना, दोनों के वर्गों को कर रहे हैं अपने, रूट निकाल रहे हैं जोड़ करके, तब एल आ रहा है हमारा, तो यहाँ ये सबसे बड़ी है। इसमें से अगर आर निकालना है तो एच स्क्वायर माइनस हो जाएगा, और अगर एच निकालना है तो एल स्क्वायर में से आर स्क्वायर माइनस हो जाएगा, तो इसका थोड़ा सा और ध्यान रखना आप, तो आपके शंकु वाले क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो फ्रेंड्स। अब आगे बढ़ते हैं अपने गोला, और ये हमारा लास्ट है गोले वाला। गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या आएगा? चार पाई आर स्क्वायर आएगा, और गोले का आयतन क्या आएगा? गोले का आयतन आएगा चार बट्टा तीन पाई आर क्यूब, या लिख सकते हो चार पाई आर क्यूब बट्टा तीन। इसके बाद आएगा अर्ध गोले का, गोले का आधा कर दो, अर्ध गोले का
वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2π आर स्क्वायर अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 3π आर स्क्वायर और अर्धगोले का आयतन बराबर 2/3 पाई आर क्यूब या कह सकते हैं 2π r³/3। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे बेलन शंकु गोला घन घनाभ के जो प्रश्न हम करेंगे उनके सूत्र। अब हम इन प्रश्नों को करना शुरू करेंगे। फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद। इसमें एक जगह से थोड़ा कट करना पड़ेगा।